यस, सोचकर देख रहे होंगे, यूज किया है। क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज पढ़ने वाले हैं एरोसोल, फार्मास्यूटिकल एरोसोल। कुछ इस तरह का आपका एरोसोल होता है और इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करेंगे वन शॉर्ट सीरीज ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल। तो इसमें हम जानेंगे सारी चीजें कि आखिरकार फार्मास्यूटिकल एरोसोल क्या होता है, और उसको रैपिडली रिवाइज भी करेंगे। आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से और पूरा टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम में धमाकेदार शुरुआत करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरोसोल, एरोसोल क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन के साथ बात करूं तो यहां पर याद रखिएगा, इसको बोला गया कि दैट इट इज अ प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। क्योंकि जब आप एक्चुएटर दबाते हैं तो उससे प्रेशर निकल के उससे प्रोडक्ट निकलता है। तो मैंने क्या बोल दिया, प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर थेरेप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट। यहां पर एरोसोल वो प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, और जब उसको हम एक्चुएटर को दबाते हैं तब उससे प्रोडक्ट निकलता है, वो आपका फार्मास्यूटिकल एरोसोल कहलाता है। यही बोला गया, एरोसोल इज अ प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर थेरेप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स व्हिच अपॉन एक्चुएशन, एक्चुएटर को दबाना, कैन एमिट अ फाइन डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड सॉलिड मटेरियल इन अ गैसियस मीडियम ऑल्सो। पॉइंट क्लियर है, दिस इज योर एरोसोल। अब यहां पर मैं बात करूं, पहला एरोसोल कब आया? पहला एरोसोल हमारा डेवलप किया गया इंसेक्टिसाइड का 1942 में। फिर उसके बाद 1950 में आपका टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेवलप किया गया। 1955 में लोकल एक्टिविटीज के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए आपका एपिनेफ्रिन का 1955 में डेवलप किया गया। तो यहां पर एरोसोल जान लिया क्या होता है। अब आगे मैं बात करता हूं कि एक एरोसोल किस तरह का होना चाहिए, व्हाट आर द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर बात करें, एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए, पता लगा फूट जा, प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है भाई, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट डिलीवरी, अब जब आप किसी प्रोडक्ट को, मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपके सामने है। अब देखिए, मैंने इसको दबाया तो दिस इज द एक्चुएटर, ये एक्चुएटर है। अब प्रोडक्ट निकल रहा है, जब तक इसको दबाओगे तब तक निकलेगा। ये बात क्लियर है, ये बात यहां पर समझिएगा। मैं इसको पॉकेट में रख लेता हूं समझाने के लिए आप लोगों को। कांस्टेंट डिलीवरी मतलब अगर एक जैसा ही निकले प्रोडक्ट, उसके बाद नॉन एलर्जिक एलर्जी नहीं शो करे, अगर टॉपिकल के लिए एलर्जी ना शो करे, अगर आप कितने डिओड्रेंट लगा रहे हैं तो एलर्जी नहीं होती है ना, सिंपल सी बात, ठीक है। कम कॉस्ट का होना चाहिए, इजी टू हैंडल, इको फ्रेंडली, ये सारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक एरोसोल में देखी जानी चाहिए। अब आगे मैं बात करता हूं एरोसोल में और क्या क्या होता है, ठीक है। एरोसोल में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट हमारे एरोसोल की जान बोला गया। यस, इट इज द हार्ट ऑफ एरोसोल। क्यों ऐसा बोला गया? बिकॉज जब प्रोपेलेंट की वजह से ही, प्रोपेलेंट क्या होता है, प्रोपेलेंट एक प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करता है, प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट निकलता है। नेक्स्ट है कंटेनर। अब कंटेनर आपका ग्लास का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, टिन प्लेटेड स्टील का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। वॉल्व एंड एक्चुएटर की बात करेंगे, और प्रोडक्ट कंसंट्रेट, जो प्रोडक्ट हम इसके अंदर फिल करने वाले हैं, लाइक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट कंसंट्रेट, ठीक है। ये चार कंपोनेंट्स हैं। अब चार कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले प्रोपेलेंट के बारे में कि प्रोपेलेंट होता क्या है। देखिए यहां पर मैं बोला गया, प्रोपेलेंट का जो काम है वो प्रेशर को डेवलप करना, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट को निकालने में मदद करना, ठीक है, सीधी सी बात। रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रॉपर प्रेशर विद इन द कंटेनर। दूसरा, प्रोवाइड ड्राइविंग फोर्स टू एक्सपेल द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंटेनर, मतलब अच्छा प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकल पाए उससे, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट, कितने तरह के प्रोपेलेंट, आपका लिक्विफाइड गैसेस प्रोपेलेंट और कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट, याद रखिएगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट में। यहां पर डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज पर यहां पर क्लासिफाई किया कर दिया, ठीक है। किस रूट से दिया जा सकता है, किस तरह का प्रोपेलेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि टाइप वन प्रोपेलेंट ए, लिक्विफाइड गैस।
अब कौन सा ओरल रूट से जो मुंह के थ्रू दिया जाने वाला और इनहेल जो नाक के थ्रू इनहेल करके दिए जाने वाला वो होता है हमारे फ्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे ओरल और इनहेलेशनल रूट से दिए जाने वाले आपके प्रोपेलेंट, जैसे कि ट्राइक्लोरोफोनोमीथेन जिसका दूसरा नाम होता है प्रोपेलेंट 11। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है या तो प्रोपेलेंट 11 या ट्राइक्लोरोफोनोमीथेन से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है डाइक्लोरोडाइक्लोरोमीथेन प्रोपेलेंट 12 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिकल जो स्किन पर लगाने के यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोपेन ब्यूटेन। नेक्स्ट है कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट्स में हमारा जाता है कंपाउंड गैसेस नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर दी लिक्विफाइड, ये लिक्विफाइड गैस हैं और ये कंप्रेस गैस की हमने यहाँ पर बात करी, ठीक है। सो अब यहाँ पर लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट क्या होता है, सीधी सी बात को समझिएगा, लिक्विफाइड गैसेस आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो लिक्विफाइड गैस है वो गैस की तरह रहेगी हमारी रूम टेम्परेचर पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बट उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? सो दैट इज योर लिक्विफाइड गैस, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और प्रोपेलेंट्स। यहां पर आपने CFC के नाम सुना होगा, ठीक है। अब ओरल और इनहेलेशनल में CFC भी यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोपेलेंट ऑफ चॉइस फॉर ओरल और इनहेलेशनल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट चॉइस कौन सी है, ठीक है। सीधी सी बात, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है सीएफसी की, पहले समझ लेते हैं। केमिकल इनर्टनेस, अगर एक या एक से ज्यादा केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा उसमें ड्रग, तो वो उसके साथ रिएक्टिविटी नहीं करेगा, इनर्टनेस शो करेगा। टॉक्सिसिटी नहीं होगी, नॉन फ्लेमेबिलिटी, आग लगने के चांसेस नहीं रहेंगे, लैक्स ऑफ एक्सप्लोसिव ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। बट कॉस्ट ज्यादा है और ओजोन लेयर को हमारा डिप्लीट करता है, ये हमने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। आगे अब यहां पर एग्जांपल है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन प्रोपेलेंट 11 में ऑलरेडी बताया, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन प्रोपेलेंट 12 और होता है डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन प्रोपेलेंट 114। तो ये हमारे मेनली चॉइस ऑफ प्रोपेलेंट्स होते हैं फॉर ओरल एंड इनहेलेशनल, क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। आगे मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में ये हमारे एरोसोल्स टॉपिकली यूज किए जाते हैं, इनकी एडवांटेजेस क्या है, इनएक्सपेंसिव, सस्ते हैं, एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते हैं, बट आग लग सकती है और टॉक्सिसिटी, बहुत तरह की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, प्रोपेन हमारा एग्जाम्पल है जिसको प्रोपेलेंट A108 के नाम से जाना जाता है, आइसोब्यूटेन जिसको प्रोपेलेंट A31 के नाम से जाना जाता है, ब्यूटेन मेनली आपका प्रोपेलेंट A17 के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर है? ये हमारा हुआ किसके लिए, टॉपिकल के लिए। आगे मैं बात करूं कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट के बारे में, अगर मैं यहां पर जानू थोड़ा सा, देखिए पॉइंट यहां पर दिए गए, कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट क्या होता है, कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये जो गैस है ये ऊपर का स्पेस, दिस इज द हेड स्पेस, ये हेड स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, ये बोला गया कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट्स ऑक्यूपाई द हेड स्पेस अबाउट द लिक्विड इन द कैन, यहां पर दिस इज द हेड स्पेस, यही बोला गया, ठीक है। व्हेन द एरोसोल वॉल्व इज ओपन द गैस पुशेस द लिक्विड आउट ऑफ द कैन। अब यहां से जैसे ही किसी ने एक्चुएटर को दबाया तो यहां से ये प्रोपेलेंट, इसका प्रेशर, ये कंप्रेस गैस इस पर, इस लिक्विड पर प्रेशर डालेगी कि भाई तू उस पाइप से निकल, उस पाइप और फिर प्रोडक्ट निकल जाएगा। दिस इज द रोल ऑफ कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट, ठीक है। एंड एग्जांपल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर द एग्जांपल, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं कंटेनर्स। अब देखिए ये चीज मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, कंटेनर्स देखिए, ये तो आपके सामने एल्यूमिनियम का कंटेनर है, अब इसके अंदर प्रेशर भरा हुआ है भाई, प्रेशर, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिथीन में भर लो और कोई ऐसे ही कर लो, नहीं। तो इस कंटेनर का क्या प्रेशर होना चाहिए कि हमारा ये जो गैस है वो झेल जाए, कि फूटे ना, कहीं फूटता हुआ देखा है कभी, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लिए। तो यहां पर याद रखिएगा, हमारा जो कंटेनर है, हमारा जो कंटेनर है वो इतना प्रेशर कम से कम बियर करना चाहिए, 140 से 180 psig,
पर स्क्वायर इंच गॉज हमारा इतना प्रेशर बियर करना चाहिए, कितने डिग्री फारेनहाइट पर, 130 डिग्री फारेनहाइट पर इतना प्रेशर बियर करना चाहिए। अब यहां पर कंटेनर्स अलग अलग, पहला मेटल, दूसरा ग्लास। मेटल में हमारे तीन तरीके के, टिन प्लेटेड स्टील, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील, और ग्लास में अनकोटेड एंड प्लास्टिक। बात को समझिएगा, टिन प्लेटेड स्टील याद रखिएगा, टिन प्लेटेड स्टील मतलब स्टील पर टिन की कोटिंग की गई है, दिस इज द स्टील, और तब बोला मैंने इसको टिन प्लेटेड स्टील। अब यहां पर बात को समझिएगा, आगे भी बताऊंगा। साइड सीन थ्री पीस, टू पीस और टिन फ्री स्टील। यहां पर थ्री पीस का मतलब क्या है भाई, जो आपका कंटेनर है, थ्री पीस का मतलब जो टॉप है वो अलग से डिजाइन किया, जो बीच का है, जो मिडिल पोर्शन है वो अलग से, और जो डाउन है वो जो नीचे का पोर्शन है बॉटम वाला उसको अलग से, और उन तीनों को फिर जोड़ दिया, तो तीन पीस हुए। टू पीस में क्या होता है भाई, ये इकट्ठा होता है, ये ऊपर का अलग से जोड़ा जाता है, ठीक है। उसी के बाद टिन फ्री स्टील मतलब स्टील पर कोई कोटिंग नहीं है टिन की, तीन कैटेगरी। एल्यूमिनियम में भी टू पीस, वन पीस और स्टेनलेस स्टील, जिसमें उसको भी बात करेंगे। ग्लास अनकोटेड एंड प्लास्टिक कोटेड। अब आपने टेम्पर्ड ग्लास देखा होगा, ठीक है, एक टेम्पर्ड ग्लास होता है कि अगर उसको तोड़ दो तो नीचे गिर जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। एक होता है कि अगर वो टूट भी गया तो उस पर एक पन्नी चिपकी रहती है, प्लास्टिक कोटेड ग्लास बोला जाता है उसको। तो इसी तरीके से है, अगर टूट भी जाता है तो शैटर्ड मतलब बिखरता नहीं है। चलिए यहां पर समझ लेते हैं टिन प्लेटेड स्टील के बारे में। यहां पर बोला गया जो टिन प्लेटेड स्टील, टिन पर टिन की कोटिंग, ठीक है, ये बोला इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है। अब मैंने बोला ये तीन पीस में अवेलेबल है, टॉप बॉटम एंड बॉडी। अब इनको जोड़ोगे भी तो जोड़ोगे इनको एक प्रोसेस से, सोल्डरिंग से। अब सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग आपने देखा होगा जो स्पीकर का काम कर रहा होता है, वो स्पीकर छोटा सा वो तार को पिघला के वो करता है, वो होता है सोल्डरिंग। तो अब ये सोल्डरिंग का आगे भी मैं बताऊंगा, और हम इसमें कोटिंग भी कर सकते हैं, इपॉक्सी कोटिंग, फिनोलिक और विनाइल इपॉक्सी कोटिंग या ओलियो रेजिन से कोटिंग कर सकते हैं रिएक्टिविटी को कम करने के लिए। अब फिर से आ जाते हैं सोल्डरिंग। अब ये सोल्डरिंग को हमने बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें फायदा आने लगा वेल्डिंग। वेल्डिंग ने क्या कहा कि भैया वेल्डिंग बहुत अच्छा माना गया सोल्डरिंग के कंपैरिजन में, तो क्योंकि टाइम सेव है, पैसा बचता है, ठीक है। और फिर हम सोल्डरिंग को छोड़ के वेल्डिंग करने लगे, और जैसे जैसे उसमें काम करते चले गए तो वेल्डिंग में भी कुछ रिसेंट एडवांसमेंट्स आने लगी। अब वो एडवांसमेंट्स का नाम क्या है, आपका साउंड्रोनिक सिस्टम और कोनोवेल्ड सिस्टम। एडवांसमेंट इन वेल्डिंग इज योर साउंड्रोनिक सिस्टम एंड कोनोवेल्ड सिस्टम, ठीक है। आगे मैं बात करूं एल्यूमिनियम कंटेनर की। एल्यूमिनियम कंटेनर का यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट, ये जो भी इनहेलेशनल और जो टॉपिकल एरोसोल्स के लिए यूज किए जाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, सबसे इंपैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है, बहुत कम उसमें होता है, बट कोरोजन तो लगने नहीं देता, ये तो पक्की बात। बट यहां पर एक कंडीशन दी गई है कि प्योर वाटर एंड प्योर इथेनॉल एल्यूमिनियम कंटेनर में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोजन कर देगा भाई, कोरोजन। प्योर वाटर एंड प्योर इथेनॉल नहीं यूज किया जाएगा। अब यहां पर एक बात को समझिएगा, ये कंटेनर है, देखिए ये कंटेनर है, ये एल्यूमिनियम कंटेनर है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। यहां पर बोला अगर हम इथेनॉल और प्रोपेलेंट 11 को हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम कंटेनर में, तो ये इथेनॉल और प्रोपेलेंट 11 एल्यूमिनियम कंटेनर के साथ रिएक्ट करके अंदर कुछ प्रोडक्ट बना ले रहा है। वो प्रोडक्ट कौन कौन से, हाइड्रोजन बना ले रहा है, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड बना ले रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना ले रहा है और प्रोपेलेंट 21 बना ले रहा है, और कुछ और प्रोडक्ट भी बना ले रहा है जो कि खतरनाक हो सकता है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, इथेनॉल अगर प्रोपेलेंट 11 के साथ ले रहे हो एल्यूमिनियम कंटेनर में तो दिक्कत होगी भाई साहब, कंडीशन बहुत सारा कि प्रोडक्ट भी ये अजीब तरीके के बन रहे हैं। चलिए आगे बात करें स्टेनलेस स्टील कंटेनर। स्टेनलेस स्टील सीधी सी बात है, अब कुछ ग्रेड का होगा, मेनली इनहेलेशनल के लिए जो यूज करते हैं, जो स्मॉलर साइज के होते हैं उनको इसके लिए यूज करते हैं, बट मेनली कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है और एडवांटेज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, रेजिस्टेंस कोई उस पर जर नहीं लग सकता कोरोजन, ठीक है, और कोई इंटरनल कोटिंग करने की जरूरत नहीं है।
ग्लास कंटेनर की बात कर रहे हैं, ग्लास कंटेनर। देखिए ग्लास कंटेनर सीधी सी बात है, ग्लास कंटेनर हम उन केसेस में यूज करते हैं जहां पर हम मीटर्ड डोज इनहेलर, ठीक है, ये टॉपिकल और एमडीआई एरोसोल्स के लिए यूज किया जाता है। अभी टॉपिकल तो पता है जो स्किन के लिए यूज होता है, एमडीआई क्या है? एमडीआई इज योर मीटर्ड डोज इनहेलर, मीटर्ड डोज इनहेलर होता है। मीटर्ड डोज इनहेलर क्या होता है बच्चा? मीटर डोज इनहेलर आपने देखा ना, वो अस्थमेटिक पेशेंट को पंप करते हैं, एक बार पंप मारते हैं तो कुछ दवाई जाती है, वही बोला गया मीटर्ड डोज इनहेलर। मतलब एक बार पंप करने के बाद एक अमाउंट जाता है ड्रग का, और ये वाला जो कहलाता है ये कंटिन्यूअस कहलाता है। मतलब इसको जितनी देर तक आप दबाओगे उतनी देर तक प्रोडक्ट निकलता रहेगा, पर मीटर डोज में ऐसा नहीं है। मीटर डोज में एक बार दबाओगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका निकले, याद रखिएगा, दैट इज योर मीटर डोज। अब यहां पर एक चीज बोली गई है, अनकोटेड ग्लास, मतलब प्लास्टिक की कोई कोटिंग नहीं है, टूटने के चांसेस रहते हैं, बिखर जाता है। पर प्लास्टिक कोटेड मतलब ग्लास पर एक प्लास्टिक कोट किया जाएगा जिससे कि वो टूटे, अगर टूट भी जाए, क्रैक भी आ जाए तो एकदम से ना बिखरे। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना। वॉल्व्स की बात करें, वॉल्व्स क्या है, सीधी सी बात यहां पर याद रखिएगा, इजी टू ओपन एंड क्लोज, जो आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करने में मदद करे, स्प्रे फॉर्म में, सॉलिड स्ट्रीम में, ठीक है, और मेनली पर्टिकुलर मेडिकमेंट देने में मदद करे, एंड इट इज अप्रूव्ड बाय एफडीए, ठीक है। जो वॉल्व्स होती है दो तरह की, वॉल्व कंटिन्यूअस और मीटरिंग वॉल्व। कंटिन्यूअस मैंने बताया प्रोडक्ट को दबाते चले गए प्रोडक्ट निकलता गया, मीटरिंग वॉल्व एक पर्टिकुलर अमाउंट निकलेगा जो सेट किया जाएगा, ठीक है उसमें। अब यहां पर आते हैं वॉल्व असेंबली की, कौन सी चीज किससे बनी होती है। देखिए ये आपका है, ठीक है, ये आपका स्प्रे है, मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि दिखाना जरूरी है। दिस इज द स्प्रे, ये अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ये चीज आप देख पा रहे हैं, दिस इज द स्प्रे, ठीक है। अब ये ऐसा ही है, अब इसको ओपन करके, यहां से इसको ओपन करके मैंने यहां पर इसको लगा लिया, ठीक है, ये देखिए ये यहां पर आपके लिए बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, एंड दिस इज द टिप ट्यूब, दिस इज द टिप ट्यूब, ठीक है। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, मैं एक और बता दूं, डिप ट्यूब से पूछा जा सकता है, ये भी मैं बताऊंगा, मैं यहां पर ही बता देता हूँ। डिप ट्यूब आपका पॉलीथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन से बनी होती है, जो डिप ट्यूब है वो इससे कनेक्टेड होती है, जैसे आपने सैलून में देखा ना, वो स्प्रे में नीचे पाइप लगा रहता है, दिस इज दैट। पॉलीथाइलीन एंड पॉलीप्रोपाइलीन से बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलीन से, ठीक है, याद रखिएगा। सो फेराउल और माउंटिंग कैप, ये आपका हमारा वॉल्व को कंटेनर से अटैच करने के लिए यूज किया जाता है, और टिन प्लेटेड स्टील, एल्यूमिनियम और ब्रास से बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो इसकी अपर साइड है, जो वॉल्व कप है, वो आपका सिंगल और डबल इपॉक्सी विनाइल रेजिन से कोट किया जाता है, जिससे कि हम रेजिस्टेंस बढ़ा सके, जिससे कि कोरोजन ना लग सके, ठीक है, याद रखिएगा। और फेराउल हमारा किससे किससे अटैच है, कंटेनर से अटैच, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब वॉल्व बॉडी और हाउसिंग हमारा नाइलॉन और डर्लिन से बना होता है, नाइलॉन और डर्लिन, उसका जो अटैचमेंट है वो डिप ट्यूब से है, जो वॉल्व बॉडी हाउसिंग है वो डिप ट्यूब से अटैच है। फेराउल किससे अटैच है, कंटेनर से अटैच है, और वॉल्व बॉडी और हाउसिंग आपका डिप ट्यूब से कनेक्ट है, जिसका इंटरनल डायमीटर इतना है, ठीक है। उसी के बाद स्टेम बोला गया, स्टेम भी नाइलॉन और डर्लिन से बना है, ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ओरिफेस इसका इतना बोला गया है। गैस्केट आपका ब्यूना एन और नियोप्रीन रबर से बना होता है, स्प्रिंग आपका स्टेनलेस स्टील, टिप ट्यूब पॉलीथाइलीन एंड पॉलीप्रोपाइलीन, आप इसका डायमीटर भी याद कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं मीटरिंग वॉल्व मैंने बता दिया है, ठीक है। पोटेंट मेडिकेशन मतलब जहां पर पोटेंट, एक माइक्रोग्राम भी मैटर करता है, मीटरिंग डोज वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए इस तरीके का होता है, यहां इसको दबाते हैं ना, अगर एक माइक्रोग्राम निकला है तो एक माइक्रोग्राम ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुएटर, चार तरह के एक्चुएटर, स्प्रे एक्चुएटर, फोम एक्चुएटर, सॉलिड स्टीम एक्चुएटर एंड स्पेशल एक्चुएटर, ठीक है, और ये एक्चुएटर होता है, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, थ्योरी नहीं बताने का है, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। स्प्रे एक्चुएटर जहां पर स्प्रे चाहिए होगा, ठीक है, फोम एक्चुएटर शेविंग फोम वाला देखा है, सॉलिड स्ट्रीम जिसके अंदर से थोड़ा सा सॉलिड भी निकले सस्पेंशन के केस में, और स्पेशल एक्चुएटर अगर थोड़ी स्पेशल टाइप की साइट ऑफ एक्शन पे ही हम उसको यूज करें, ठीक है, स्पेसिफिक जहां पर दर्द है या जहां पर स्पेशल एक्चुएटर उनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर फॉर्मुलेशन मैटर करती है कि बनाते कैसे, ठीक है, बनाते कैसे, सीधी सी बात है, फॉर्मुलेशन में
प्रोडक्ट कंसंट्रेट हो जाता है। प्रोडक्ट कंसंट्रेट मतलब एपीआई जो होगा, इसमें जो ड्रग होती है उसको प्रोडक्ट कंसंट्रेट बोला जाता है। और प्रोपेलेंट हमारा एक या एक से ज्यादा प्रोपेलेंट हम यूज करते हैं, इसमें बोला गया एक्टिव इंग्रेडिएंट और मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर नोन एज प्रोडक्ट कंसंट्रेट, याद रखिएगा ठीक है। एंड नेसेसरी एजेंट्स सच एज सॉल्वेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सर्फेक्टेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं ठीक है। प्रोपेलेंट्स आपको मैं बता चुका हूं। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसोल में सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं ठीक है, और बहुत सारी चीजें सर्फेक्टेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स आप यूज करेंगे, प्रोपेलेंट्स यूज करेंगे ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नाउ मैं आगे बात करता हूं यहां पर टाइप्स ऑफ सिस्टम की। देखिए चार तरह के सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, सॉल्यूशन सिस्टम, वाटर बेस्ड सिस्टम, सस्पेंशन डिस्पर्जन सिस्टम और फॉर्म सिस्टम। सॉल्यूशन सीधी सी बात है, दो फेज आपस में, सॉल्यूशन तभी तो बनेगा, सॉल्युबल है। वाटर फेज जिसमें एक्वस फेज ज्यादा हो, जिसमें एक्वस फेज ज्यादा हो। सस्पेंशन में इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, डिस्पर्जन। और फॉर्म सिस्टम हमारा चार तरह का, एक्वस स्टेबल फॉर्म, नॉन एक्वस स्टेबल फॉर्म, क्विक ब्रेकिंग और थर्मल फॉर्म हमारा एग्जांपल होगा ठीक है। चलिए ना मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अब की कैसे बनाया जाता है। देखिए तीन मेथड्स होते हैं, मैं यहां पर क्लियर करूंगा मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में एक तो होता है प्रेशर फिलिंग, प्रेशर फिलिंग होता है तो प्रेशर फिलिंग होता है याद रखिएगा, प्रेशर फिलिंग होता है। एक होता है कोल्ड फिलिंग, कोल्ड फिलिंग ठीक है। मैं यहां पर इसमें जितना बताने का है मैं उसमें वो बताऊंगा आपको। कोल्ड फिलिंग होता है, एक कंप्रेस गैस फिलिंग होता है, कंप्रेस गैस, प्रेशर फिलिंग एंड कोल्ड फिलिंग ठीक है। तो यहां पर प्रेशर फिलिंग, तो यहां पर मैं आपको देखिए ये डायग्राम देख पा रहे हैं शायद आप लोग, यहां पर देखिए यहां से हम इसको फिल करेंगे, यहां से कंटेनर, ये कंटेनर है, इसके इस वॉल्व के थ्रू फिल करेंगे और नीचे वेइंग बैलेंस लगा देंगे। अब कंटेनर तब जितना फिल करना है उतना फिल हो जाएगा और हम उसको उठा लेंगे, दैट इज योर प्रेशर फिलिंग, दैट इज इतना ही आपने याद रखना है। उसके बाद कोल्ड फिलिंग, कोल्ड फिलिंग में हम -40 डिग्री फारेनहाइट तक अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट कंसंट्रेट, प्रोडक्ट को चिल करेंगे याद रखिएगा ठीक है। इसीलिए बोला गया कोल्ड फिलिंग अपरेटस, और लिमिट याद रखिएगा -30 डिग्री टू -40 डिग्री फारेनहाइट ठीक है, सेल्सियस नहीं होगा याद रखिएगा। ये कुछ उसकी असेंबली है, आप इसको एग्जाम में भी बना सकते हो अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं ठीक है। आगे मैं बात करूं कंप्रेस गैस फिलिंग, यहां पर हम कंप्रेस गैस को यूज करेंगे जिसका हाई प्रेशर होगा ठीक है, और मेनली द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ डिलीवरी कोच, सीधी सी बात यहां पर कंप्रेस गैस फिलिंग, बाय यूजिंग द कंप्रेस गैस वी विल फिल द एरोसोल ठीक है। चलिए नाउ आगे मैं बात करता हूं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एंड इवेल्युएशन टेस्ट। अब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है बनाने के दौरान, और इवेल्युएशन टेस्ट जब बन जाता है प्रोडक्ट फाइनल फॉर्म में उसको इवेल्युएशन टेस्ट बोला जाता है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कोई सब्जी बना रहे, सीधी सी बात है उसको वहीं पर चख के देख लिया कि नमक तेज तो नहीं है, गर्म तो नहीं है, खराब तो नहीं हो गया, मिर्च तेज तो नहीं है, और जब बन जाता है तब चेक करते हैं हाँ इसमें ये कमी रहेगी। इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं तब हम चेक करेंगे, इवेल्युएशन जब प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या क्या चेक करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में हम प्रोपेलेंट चेक कर सकते हैं, वॉल्व्स, एक्चुएटर एंड डिप ट्यूब्स, कंटेनर्स, वेट चेक, लीक टेस्टिंग एंड स्प्रे टेस्टिंग हम चेक करते हैं ठीक है, ड्यूरिंग द क्वालिटी कंट्रोल है। और इवेल्युएशन में जब प्रोडक्ट बन जाता है तब हम उसकी फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी चेक करेंगे कि आग तो नहीं लग रही है, किसके माध्यम से, फ्लैश पॉइंट फ्लेम प्रोजेक्शन के माध्यम से। फिजिको केमिकल, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, वेपर प्रेशर, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट को हम चेक करने वाले हैं। उसी के बाद परफॉर्मेंस में देखूंगा, परफॉर्मेंस में एरोसोल वॉल्व डिस्चार्ज रेट की कितने सेकंड में कितना अमाउंट निकल रहा है, स्प्रे पैटर्न की कोई अनरेगुलर इनरेगुलर पैटर्न तो नहीं है, फोसेज विद मीटर्ड वॉल्व, नेट कंटेंट चेक करेंगे, फोम स्टेबिलिटी और पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करेंगे। वहीं पर बायोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे जब हम एपीआई के बारे में बात कर रहे होंगे तब हम इसको चेक करने वाले। चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं इवेल्युएशन टेस्ट की, क्या क्या इवेल्युएशन टेस्ट में दिया गया है। सबसे पहले जानेंगे फ्लैश पॉइंट। देखिए फ्लैश पॉइंट एक अपरेटस के थ्रू किया जाता है जिसका नाम है टेग ओपन कप अपरेटस। टेग ओपन कप अपरेटस के थ्रू हम फ्लैश पॉइंट को चेक करते हैं। इसमें क्या किया जाता है,
इसमें जिस प्रोडक्ट का हमें मेनली फ्लैश पॉइंट चेक करना होता है उसको हम -25 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चिल करेंगे, पहले ठंडा कर लेंगे और फिर धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जिस पॉइंट पर उसकी जो वेपर है, उस प्रोडक्ट की जो वेपर है वो इग्नाइट होना शुरू हो जाएगी, उस पॉइंट को कहा जाएगा फ्लैश पॉइंट। दूसरा है फ्लेम प्रोजेक्शन। फ्लेम प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है भाई, फ्लेम प्रोजेक्शन में मैं सीधा सा इसके सामने एक फ्लेम रखूंगा, ठीक है, और इसको चलाऊंगा और मैं देखूंगा आग कितनी दूर तक जा रही है और उस आग को मेजर करूंगा एक रूलर की मदद से। कैसे, ये आपका फ्लेम प्रोजेक्शन है। देखिए आप इसको प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं और ये आपकी फ्लेम है, ठीक है, तो यहां तक आग जाएगी, तो इसको आप मेजर करेंगे, इसको आप मेजर करेंगे, ठीक है, किसकी मदद से, रूलर की मदद से, याद रखिएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट बात है जो इंपॉर्टेंट है आपके, दैट इज योर फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चेक करेंगे यहां पर कैसे, प्रोपेलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। मॉइस्चर को कैसे चेक करोगे, कार्ल फिशर गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से। वेपर प्रेशर को प्रेशर गोज और कैन पंचरिंग डिवाइस से। वहीं पर डेंसिटी को हाइड्रोमीटर और पिकोमीटर के थ्रू आप चेक करेंगे। ये आपका मेनली। नेक्स्ट एरोसोल वॉल्व डिस्चार्ज रेट। भाई सीधी सी बात है, ज्यादा इसमें समझने का नहीं है भाई, कितने सेकंड तक हमने उसको चलाया और कितने ग्राम प्रोडक्ट निकला, या कितने ग्राम निकला और कितने सेकंड तक चलाया, ठीक है, ग्राम पर सेकंड हम इसमें देखेंगे, ठीक है। एरोसोल वॉल्व डिस्चार्ज रेट, स्प्रे पैटर्न कैसा है वो हम चेक करेंगे, कोई बेकार स्प्रे पैटर्न तो नहीं है, पता लगा बनाया है फोम का, निकल रहा है लिक्विड, बना रहे हैं फोम, निकल रहा है सेमी सॉलिड या सस्पेंशन, तो ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। डोसेज विद मीटर्ड वॉल्व को चेक करेंगे। मीटर्ड वॉल्व मतलब अगर कोई पोटेंट ड्रग के केस में हमने मीटर्ड वॉल्व लगाई है, अगर मैंने कहा कि मैंने एक बार दबाया तो उससे 1 माइक्रोग्राम निकलना ही चाहिए और उससे निकल रहा है 3 माइक्रोग्राम, तो हम इसको चेक करेंगे। नेट कंटेंट, नेट कंटेंट कैसे, एक बार भरे हुए कंटेनर का ले लेंगे, ठीक है, लेट सपोज इसमें वेट है और इसको खाली करके फिर नेट खाली ले लेंगे, तो पता लग जाएगा कि नेट कंटेंट कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फोम स्टेबिलिटी। फॉर्म स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे आपके रोटेशनल विस्कोमीटर से और पार्टिकल साइज डिस्क्रिमिनेशन हम करेंगे, लाइट स्कैटरिंग डीके और कैस्केड इंपैक्टर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा होता है एरोसोल का वन शॉट कंप्लीट, एंड आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। नोट करें, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। जितनी तैयारी, वन शॉट एक ऐसी सीरीज जिससे हमें तैयारी अच्छी करनी है, और आपने अगर टैबलेट कैप्सूल पेरेंट्रल्स और सस्पेंशन इमल्शन का एरोसोल अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, वहां पर सारी चीजें आपको अवेलेबल होने वाली है। सो फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़े रहना है इसी तरह से, क्योंकि डरने की है क्या बात, फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर watching.